विविधता की भूमि के रूप में जाना जाने के अलावा भारत को रंगीन त्योहारों के देश के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्धि ने इन त्योहारों को और अधिक रोचक और प्रेरणादायक बना दिया है। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भारतवर्ष के आसपास कई त्योहारों के माध्यम से जीवन की सच्ची भावना जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत के प्रमुख त्योहारों की सीरीज के दूसरे एपिसोड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया करके ऊपर के आई बटन को क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हेमिस त्यौहार के बारे में। हेमिस त्यौहार लद्दाख का प्रमुख त्यौहार भी माना जाता है। हर साल बहुत सारे स्थानीय और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। हेमिस एक दो दिवसीय धार्मिक त्यौहार है जो जून के लद्दाख में मनाया जाता है। इसमें पुजारियों द्वारा किए जाने वाले चाम नृत्य जैसे पारंपरिक ढोल धुनों और भजनों द्वारा बजाए जाने वाले झांझ की धुनें शामिल है। यह आध्यात्मिक नेता और तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म संस्थापक पद्मसंभव की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार को लद्दाख का प्रमुख त्यौहार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगले में बात करते हैं महावीर जयंती त्यौहार। महावीर जयंती त्यौहार जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार को महावीर जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महावीर जयंती को भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक माना जाता है, जो मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। इस दिन महावीर की मूर्तियों का अभिषेक किया जाता है और जैन समुदाय के लोग खुद को धर्मार्थ कार्य प्रार्थना और पूजा में शामिल करते हैं। साथ ही में भक्त भगवान महावीर के मंदिर में ध्यान करने के लिए जाते हैं। इस दिन जैन धर्म के लोग महावीर जैन जी की मूर्ति को लेकर शहर में परेड करते हैं और बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं और महावीर जी के जयंती का आनंद लेते हैं और खुशी से मनाते हैं। तो दोस्तों, अगला हम बात करते हैं उगादि त्यौहार के बारे में। उगादि का त्यौहार मार्च या अप्रैल के महीने में आता है और ये पूरा कर्नाटक के लोगों द्वारा बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह उन लोगों के लिए शुभ समय है के रूप में जाना जाता है जो नए उपक्रम शुरू करने के लिए उत्कृष्ट हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस दिन का विशाल ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया था और इसलिए यह त्यौहार नए हिंदू चंद्र कैलेंडर के शुरुआत का प्रतीक है। फूलों और आम के पत्तों के साथ घरों को सजाने प्रार्थना की पेशकश और करता है। विशेष व्यंजन तैयार करना ऐसे तरीके हैं जिनमें लोग अपने प्रियजनों के साथ इनका आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, अगला हम बात करते हैं ऊंट महोत्सव त्यौहार के बारे में। जनवरी के महीने में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला कैमल फेस्टिवल राजस्थान राज्य के बीकानेर में जूनागढ़ किले के पास मनाया जाने वाला सबसे मज़ेदार त्यौहार है। पूरी तरह से रेगिस्तान के जहाज़ों ऊँटों के लिए समर्पित इसमें कई मनोरंजक गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे ऊँट नृत्य, सर्वश्रेष्ठ नस्ल प्रतियोगिता, ऊँट दौड़, कालाबाजी और युद्धरोधी युद्ध, पारंपरिक संगीत शो और लोक नृत्य प्रदर्शन आगे त्यौहार के लिए आकर्षक जोड़े हैं। इन दिन ऊँटों को सुंदर नेकपीस, पायल, संगीत कंचों से सजाया जाता है। साथ ही में ऊँटनी के दूध से तैयार मिठाइयाँ, चाय को और त्यौहार के उत्सव के हिस्से के रूप में आनंद लिया जाता है। ये राजस्थान बीकानेर का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इस त्यौहार को देश विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगले में बात करते हैं खजुराहो महोत्सव के बारे में। मध्य प्रदेश में फरवरी में मनाया गया खजुराहो महोत्सव प्रसिद्ध भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। यह त्यौहार है जो भारत के सच्चे नृत्य प्रूफों को प्रदर्शित करता है। इसमें एक सप्ताह का उत्सव मनाया जाता है जिसमें भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी और कथकली जैसे कई कला रूपों को कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भारत की नृत्य भावना को प्रतिबिंबित करने के अलावा यह त्यौहार अपने खुले बाजार के लिए जाना जाता है, जो कलाकृति, मूर्तियाँ, सबसे अच्छे शहर के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई कलाकृति का घर है। त्यौहार अजंता पहाड़ियों के बीच स्थित खजुराहो टेम्पल को संस्कृति और उसके भव्यता को दर्शाता है और उसकी कलाकृति को दुनिया में उजागर करता है और दुनिया के सामने रखता है। तो सोलन में बात करते हैं मकर संक्रांति त्यौहार के बारे में। हर साल जनवरी में पड़ने वाला मकर संक्रांति देवता सूर्य के संदर्भ में भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह एक हिंदू त्यौहार है जो सौर चक्रों के अनुसार मनाया जाता है और रंगीन सजावट मेलों अलावा पंजाब पतंगबाजी और दावतों के माध्यम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान लोग पवित्र नदियों में सूर्य भगवान का आभार व्यक्त करने का संकल्प लेते हैं। इसके अलावा यह कई अलग अलग उत्सव के रूप में जुड़ा हुआ है जिन्हें गुजरातियों द्वारा उत्तर नारायण और उत्तर भारतीय हिंदुओं के और सिखों द्वारा लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक लोहड़ी गीतों का गायन, ढोल और नगाड़ों के थाप और बच्चों के व्यवहार करते हुए लोहड़ी
कैसे मनाई जाती है इसकी एक आदर्श तस्वीर तैयार की गई है। इस दिन लोग अपने पाप को धोने के लिए नदियों में जाकर गंगा स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। इस दिन से ही लोग पतंग उड़ाना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों अगले में बात करते हैं नवरात्रि दुर्गा पूजा के बारे में। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में प्रमुख रूप से एक भव्य सामाजिक कार्यक्रम माना जाता है। दुर्गा पूजा भारत के प्रमुख धार्मिक त्योहारों में से की सूची में से एक है। सितंबर और अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। यह महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिसे व्यापक परिक्षेपण में बुराई का अच्छाई के शासनकाल के रूप में देखा जाता है। इस 10 दिनों की अवधि में मनाया जाने वाला इस त्यौहार में कई दिलचस्प उत्सव शामिल है। रंग बिरंगी गलियां खूबसूरती में पंडाल, चमकीले रोशनी, होठों पर सूंघते हुए रामायणता भक्ति गीत इस त्यौहार को पूरे उत्साह और उत्साह के साथ मनाते हैं, जिसके साथ यह पूरे भारत में मनाया जाता है। इसके अलावा पशु बलि, विशेष रूप से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम के मंदिरों में भी देवी की जीत का स्मरण करने के लिए की जाती है। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पहले पार्ट को नहीं देखा है तो कृपया करके नीचे के डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर के आई बटन क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।